हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बनाने जाएंगे वॉल पुट्टी से कुछ गार्डन के डेकोरेशन। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले हम एक लेडी बग बनाएंगे, ऐसे कुछ बॉल टाइप बना लेना है। फिर एक छोटी सी ऐसी बॉल बनानी है, देखिए जैसे मैं बना रही हूँ। उसके बाद उसे भी उसके आगे ऐसे उसके फेस की तरह लगा देंगे। फिर अब इसे ड्राई होने छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे एक वर्म, तो ऐसे ढेर सारी बॉल्स बना लेंगे, देखिए ऐसे अच्छे से सर्कल सर्कल शेप देंगे उन्हें, देखिए ऐसे। और से भी ले आएंगे और ऐसे और भी बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले बड़ी, फिर उसे छोटी 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 बॉल्स बना के जाएंगे हम। अब देखिए उसकी आइज़ बनाएंगे हम। छोटी सी बॉल बनाई है और फिर उसको ऐसे हैंड से प्रेस कर दिया है अपनी फिंगर से, तो ऐसे गोल गोल सी इसकी आइज़ बन जाएंगी। और इसे फिर इसके तब से आगे बड़ी वाली बॉल पे लगा देंगे। हम बनाएंगे मशरूम, तो फिर एक स्टिक के ऊपर ऐसे उसके ऊपर हमें वॉल पुट्टी लगा लेना है। स्टिक के ऊपर वॉल पुट्टी को कवर कर लेना है अच्छे से, देखिए ये मतलब थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो इसे मतलब अच्छे से एकदम रोल रोल करके अच्छे से बना लेंगे। देखिए अब हम जो सारी वॉल पुट्टी की एक बॉल बनाएंगे, फिर उसे ऐसे ऐसे प्रेस करके उसके ऊपर का मशरूम का पार्ट बनाएंगे, देखिए कुछ ऐसे अच्छे से एकदम सर्कल शेप बन जाए। फिर उसे ऐसे फिक्स कर देंगे ऊपर टॉप पे, देखिए ये रेडी। अब हम बनाएंगे एक मशरूम हाउस। इसके लिए मैंने एक फोम है, कटोरी टाइप फोम है, तो उसको ले लिया है और उसके ऊपर हम रेड एक्रिलिक पेंट करेंगे। हम एक मशरूम हाउस बनाने जा रहे हैं जो नोम्स के लिए होता है, जिसमें नोम्स रहते हैं बहुत प्यारा सा, तो वो बनाएंगे। तो उसे पहले पेंट कर लेंगे हम रेड एक्रेलिक पेंट से, एकदम अच्छे से पेंट कर लेंगे पूरे की पूरी तरह से रेड। देखिए पूरी तरह से कलर हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कुछ डॉट्स बनाएंगे, ये मैंने वाइट कलर से डॉट्स बना रही हूँ। जो रेड वाला मशरूम होता है ना, वो कुछ ऐसा ही होता है, तो डॉट्स बना रही हूँ मैं उसके।
गाइस देखिए इसके डॉट्स बन चुके हैं। अब हम इसके नीचे का पोर्शन बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बॉर्नविटा की बॉटल का नीचे वाला पार्ट एकदम हटा दिया था पेपर और उसको वाइट कलर कर दिया। अब हम इसका गेट बनाएंगे। तो इसके लिए मैं डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट। इसको मैंने पहले वाइट पेंट कर दिया था, फिर मैं इसकी अब डिटेलिंग कर रही हूँ। देखिए ये बन गया था। अब इसके साइड साइड में हम थोड़ी सी आउटलाइन बना देंगे ब्लैक एक्रेलिक कलर से, जो बहुत अच्छी लगती हैं। इसे अच्छे से कर देंगे ऐसे, थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर नीचे है तो उसमें भी कर देंगे। अब इसका एक नॉब बनाएंगे खोलने के लिए, हैंडल दो हैंडल बनाएंगे खोलने के लिए। तो ये हो गया। अब हम विंडो बनाएंगे। इसके लिए येलो एक्रेलिक पेंट लिया और कुछ ऐसे स्क्वायर बनाएंगे इससे, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना लेंगे। ये भी आउटलाइन कर लेंगे ब्लैक एक्रेलिक से। तो विंडो में मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट से फिर से जैसे डोर में की थी ना आउटलाइन, वैसे इसमें भी आउटलाइन करेंगे। तो गाइस अब हम इसमें कुछ बेले बनाएंगे, गोल गोल सा शेप देंगे। हमारी जो लेडी बग थी जो ड्राई हो चुकी थी उसे पेंट करेंगे। तो ऐसे मैंने उसे पेंट कर दिया है रेड और ब्लैक। अब इसके ऊपर डॉट्स बनाएंगे पेंट ब्रश के बैक वाले पोर्शन से, थोड़ा सा पेंट लगा के ऐसे से डॉट्स बना लेंगे।
देखिए ड्राई हो चुका है, उसकी आईज बनाएंगे हम। ये भी जैसे डॉट्स बनाई थी ब्लैक ब्लैक, वैसे ही व्हाइट डॉट्स बना देंगे और फिर हो गया। अब ये जो कैटरपिलर बनाया था इसको हम एकदम कलर कर देंगे ग्रीन। अब इसकी आईज भी बना देंगे बैक वाले पोर्शन से ब्लैक ब्लैक सी। ये मशरूम है, इसे हम रेड पेंट करेंगे, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसे टॉप को। तो देखिए इसे रेड पेंट कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर भी हम वाइट डॉट्स बनाएंगे, इस लेडी बग में नहीं बनाई थी बैक वाले पोर्शन से वैसे इसमें भी बनाएंगे।